सोनहत विधानसभा क्षेत्र की बेटी और बहू चंपा देवी पावले, एक नाम भरोसे का, एक पहचान विकास की और एक उम्मीद मदद की। छोटे बड़े में बिना भेद किए विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनना, समझना और फिर सहजता के साथ उनका समाधान करना। वो गरीब या अमीर में फर्क नहीं करती हैं, जैसे रास्ते भी चलते रहती है तो उनको रोक के हम अपना काम करा लेते हैं, मतलब हमारे समस्या सुनती भी हैं और समाधान भी करती हैं। यही दिनचर्या है चंपा देवी पावले की। घर हो या जंगल, टेढ़े मेढ़े रास्तों की परवाह किए बिना बस एक फिक्र की, इलाके में विकास की इबारत कैसे लिखी जाए। लोगों का विश्वास इतना कि अपने विधायक अपनी नेता को पूरे अधिकार के साथ कहीं भी रास्ते में रोककर सुख दुख बांटने लगते। ये विधानसभा मेरा एक परिवार है और मैं एक परिवार, जिस तरह मैं अपने परिवार के घर, मेरे घर के सदस्य रहते हैं, उसी तरह मैं अपने विधानसभा के एक मेरे सदस्य हैं। और जो भी दिक्कत है, इनको तकलीफ है, अगर मुझ तक बताते हैं तो उसका तत्काल निराकरण करने का प्रयास करते हैं। मौका चाहे खुशी का हो या गम का, चंपा देवी के लिए क्षेत्र के लोगों की मुस्कान उनकी मुस्कान और लोगों की तकलीफ उनकी तकलीफ है। मेल जोल का ये रिश्ता बना विकास के एकमात्र लक्ष्य से, एक मिशन सेवा का बनाया, जिसमें सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज के अलावा रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराकर गोंड आदिवासी बाहुल्य इलाके के लोगों को खुशहाल और समृद्ध बनाया। जो भी कोई समस्या रहेगा, कोई बात रहेगी, डायरेक्ट मुझसे बताना, आने वाले में आपका कॉलेज का भी व्यवस्था करेंगे ताकि आपको बाहर ना जाना पाए। हजारों लड़के लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हाई स्कूल और कॉलेज के निर्माण ही नहीं करवाए, बल्कि उनकी शिक्षा के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करने का काम भी किया। शारीरिक विकास और उसके साथ साथ एक मानसिक विकास और उसके साथ साथ एक शैक्षिक विकास सोच रखी है, और उसके लिए मैं हर जगह एक शिक्षा के लिए एक स्कूल खुलवा रही हूँ, और खेल के कई शारीरिक विकास के लिए मैंने खेल के लिए कई स्टेडियम भी निर्माण करवाया है। जिंदगी की आस खो चुके बबीता सोनी जैसे सैकड़ों मरीजों के लिए बीमारी के इलाज के लिए लाखों रुपयों का इंतजाम सरकार से करवाकर उनके परिवार की मुस्कान का कारण बन गई चंपा देवी पावले। ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी खेल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्टेडियम निर्माण। सड़क जो है वनांचल क्षेत्र में कटे फटे थे, बरसात के दिनों में आना जाना वहाँ पर मुश्किल होता था। आज के दिनों में बरसात में भी हमारे वनांचल क्षेत्र के जो भाई हैं वो अपने केंद्र से जुड़कर सड़क निर्माण के लिए 755 करोड़ रुपए, पुल पुलिया के निर्माण पर 678 करोड़ रुपए, स्टॉप डैम जलाशय पेयजल के लिए 380 करोड़ रुपए, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और छात्रावासों के निर्माण पर 484 करोड़ रुपए, अमृतधारा सौंदर्यीकरण पर 50 करोड़ रुपए, विद्युत सबस्टेशन और विद्युतीकरण के हेतु 153 करोड़ रुपए, उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए 73 करोड़ रुपए, शासकीय कर्मचारियों के आवास निर्माण पर 123 करोड़ रुपए और किसानों के लिए कृषि सामग्री के लिए 83 करोड़ रुपयों के अलावा क्षेत्र के विकास की और भी कई सारी सौगातों का निरंतर चलने वाला सफर अभी बाकी है। भरोसा लोगों का, साथ भाजपा का और विकास विधानसभा क्षेत्र का, यही मंत्र है चंपा देवी पावले का। जब तक मैं रहूंगी तब तक अपने विधानसभा का मतदाता के लिए जो भी कार्य करना पड़े, मुझे जहां भी मुझे लड़ाई लड़ना पड़े वहां मैं हर समय लड़ने के लिए उनके लिए तैयार हूं। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, आदिवासी हो या कोई और जाति वर्ग, सबकी दुलारी और सबकी दीदी है चंपा देवी पावले।